व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी होमी व्लॉग्स पल्लवी। तो आज का मौसम बहुत ही प्लेजेंट है, धूप खिली हुई है, तो पता ही है यहाँ हमारे हिमाचल में अभी कितना मतलब नुकसान हुआ है, ब्यासा कितनी आ गई है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है सकेती खड, ये मिलके ब्यास नदी में जाके मिलती है। वो आगे पंचवक्त्र का टेम्पल जो पूरे इंडिया में छाया हुआ है, जिसकी बातें चल रही थी कि ब्यासा का इतना हैवी फ्लो होने के बावजूद भी उस मंदिर का जो है मतलब कुछ भी नहीं हो पाया, तो स्वयं उसमें शिव भगवान जो विराजमान है इसका प्रमाण तो आपको इस बात से मिल ही जाता है। तो आज का व्लॉग कुछ यूँ है। आज जो है सबसे पहले जो है मुझे अपने इंस्टीट्यूट जाना है। सर ने बुलाया है हमें क्योंकि हमारे पेपर्स चल रहे हैं PGDCA के, तो सर ने कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखी है आज, उसके रिगार्डिंग हमें इंस्टीट्यूट बुलाया है। वो भी आज मैं आपको थोड़ा सा अपना इंस्टीट्यूट दिखाऊंगी, और उसके बाद जो है मेरी भाभी जो है वो एक डाइटिशियन है और वो अपना डाइट कैसे खोल रही हैं, तो आज उसका हवन है, तो वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगी, ले चलूँगी। तो तब तक के लिए आप मेरे व्लॉग में बने रहिएगा, चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो व्यूअर्स, अब जा रही हूँ मैं इंस्टीट्यूट, और ये हमारे शनिदेव का मंदिर है। जय शनिदेव महामृत्युंजय का, जिसका मंत्र भी जाप करते हैं। ये यहाँ का बाज़ार है, जिस साइड से मैं इंस्टीट्यूट जा रही हूँ उस साइड का बाज़ार है ये, और आप ये मार्केट भी देखते हुए चलिए। यहाँ थोड़ी सी आगे ही मेरी भाभी का जो डाइट कैफ़े है वो भी आने वाला है, लेकिन वहाँ मैं बाद में जाऊँगी, पहले मुझे इंस्टीट्यूट जाना है। वहाँ सर ने हमारे लिए कुछ मीटिंग रखी है, कुछ बताना है सर ने पेपर के रिगार्डिंग, तो अभी मैं वहाँ जाऊँगी सबसे पहले। तो मैं आपको बाहर से जो है बोर्ड दिखा देती हूँ डाइट कैफ़े का, बोर्ड में क्या लिखा है ये भी बता देती हूँ। ये हमारी इंदिरा मार्केट का लैंटर है, और इसी के बिल्कुल साथ ही बैक साइड में ये है द डाइटिशियन चॉइस, ये बोर्ड लगा है, ये सेकेंड फ्लोर है। और ये आ गया हमारा हिप्पा नाइलेड मेरा इंस्टीट्यूट। अब मैं अंदर एंटर कर रही हूँ, अब मैं क्लास में जाऊँगी। ये मेरे फ्रेंड्स हैं तन्वी, याशना और बहुत सारे बैठे हैं, हम सर का वेट कर रहे हैं अभी। ये बाहर से मेरे इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। अब मैं अपने इंस्टीट्यूट फिनिश करने के बाद आ गई यहाँ पे डाइट कैफे में, ये स्टार्टिंग की स्टेयर्स हैं। आज पल्लवी की ब्लॉगिंग मैं कर रही हूँ, तो आज हमारे यहाँ पे भाभी जी की फर्स्ट ओपनिंग है, और उसकी शुरुआत पे हमारे हम पूजा करेंगे। ये देखिए हमारे पंडित जी हैं, आई पल्लवी दी की ब्लॉगिंग मेरे द्वारा हो रही है, तो शी इज जस्ट रेस्टिंग नाउ। यहाँ पे सारी पूजा की सामग्री रखी गई है और पंडित जी पूजा स्टार्ट करेंगे, और फिर हमारी ब्यूटीफुल सी जो व्यू भी देख सकते हो, कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ का, बिल्कुल घंटा घर हमारे बिल्कुल सामने है और हम यहाँ से देख सकते हैं सब कुछ। लोग मुझे देख रहे हैं एंड वाओ, और ये देखिए डाइटिशियन चॉइस, यहाँ पे ये लोग मस्ती करते हुए। और ये पल्लवी दीदी फिर से बहुत खुश है आज, ये इनकी भाभी जी हाँ मेरी भी है। तो व्यूअर्स, फाइनली हवन हो चुका है, हवन संपन्न, और आंखों में देखो कितना, अब इनको आंसू तो नहीं बोल सकते, ये हवन के कारण धुएं के कारण आंखों में पानी भर गया है। तो चलिए अब मिलवाती हूँ मैं आपसे जिनका ये प्यारा सा डाइट कैफे खुला है, यहाँ बैठ चल रहा है। अभी तो हमने हवन कंप्लीट किया, इसके बाद हमारा जब कुक आएगा 16th को, उसके बाद हम खाने का स्टार्ट करेंगे, तो फिर उसका अलग से करेंगे। अच्छा, वेरी नाइस, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। साथ में बैठी हैं इसकी मासी सास जो मेरी मासी हैं, तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे रेस्टोरेंट खुला है। वहाँ तो बच्चों को आशीर्वाद देकर बच्चे आगे बढ़े और अपने सक्सेसफुल हो। सोनल बैठी है, तो मैं सोचती हूँ सोनल के व्यूज़ भी ले लेती हूँ, यंगर जनरेशन के, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत लोग आ गए थे बट अभी कुछ
अरे कल भी आ गए थे अभी तो लड़कियाँ आ गई, बोले हम चंडीगढ़ से हैं, तो मैंने कहा सॉरी बेटा अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो बस जस्ट 18 के बाद स्टार्ट है, तो प्लीज़ अभी आइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ये अनामिका के फ्रेंड्स हैं कुछ है यहाँ पे, इनके व्यूज़ भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है सबसे पहले तो नाम बताइए। हेलो तो आपको कैसा लगा यहाँ पे डाइट कैफे खुला आपकी फ्रेंड का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से बाहर, और मार्केट प्लेस से भी बहुत नियर है, और मैंने मेरी डेकोरेशन में भी हेल्प की है। वेरी गुड परफेक्शनिस्ट, ये मेरी फ्रेंड ने मेरी डेकोरेशन में भी बहुत हेल्प की है। वेरी नाइस, फ्रेंड होते ही इसलिए है। और ये डाइटिशियन की मामा है जो बार बार छुपी जा रही है कैमरे से, पर अब नहीं छुप पाएंगी। तो आंटी बताइए आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने इतनी सी उम्र में ये खोल दिया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान इनको तीन दुनी रात तक दूर रुकते गए बच्चे। आंटी जी थोड़ी सी इमोशनल हो रही है इसलिए इनसे बोले नहीं जा रहा है, तो हम इनकी खुशी समझ सकते हैं। मेरी तो आंखें फट गई। तो यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे बैठी हैं जो डाइटिशियन हैं, उनकी उनकी मदर इन लॉ, तो ये भी अपने व्यूज देंगी। हाँ जी, इन्होंने बच्चों ने करी है छोटी सी कोशिश, देखते हैं अब क्या करते हैं ये, बाकी तो सारा औरों के हाथों में होता है। और ये खड़ी है डाइटिशियन की मामी सास, ये भी बताएंगे अब। मामी तो क्या बताएगी, मैं तो रोज आ जाया करूँगी और यहाँ पे बैठ के खाया करूँगी और ऐश किया करूँगी, प्लान किया करूँगी। मेरा घर बिल्कुल पास में ही है ना। फाइनली हवन हो चुका और हवन का जो धुआं है वो पूरे कैफे में इतना फैल गया है कि बोले नहीं जा रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा धुआं हो रखा है। तो कुछ लोग जो है धुएं से बचने के लिए लेट गए हैं, क्योंकि अभी हमने ये कैफे शुरू नहीं किया है, तो फिर इसलिए हम अपनी मर्जी से हर कहीं बैठे हुए हैं। कोई सोफे पर बैठे हुए हैं, कोई नीचे बैठ गए हैं, कोई चेयर पे बैठे हैं, जिसको जैसे जैसे सूटेबल लग रहा है वो वैसे वैसे बैठ। और अभी हमने सबसे पहले हमने हलवा खाया था, उसके बाद हमने आइसक्रीम ली, उसके बाद हम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक में हमने जूस लिया है और माजा लिया है, और बस अब बंद है। अब हम थोड़ी देर के बाद तंबोला खेलेंगे, क्योंकि हम ही हैं स्टार्ट कर रहे हैं तंबोला, हमारी तंबोला की गेम चल रही है। ये देखिए ये बैठ गई है लेडीज अपनी अपनी सीट्स में तंबोला खेलने के लिए। फर्स्ट नंबर पे मासी, सेकंड नंबर पे आंटी, थर्ड नंबर पे मामी, पर मामी जो है तंबोला नहीं खेलती है, नीचे बैठ गए सारे। बाकी जो आपको सारे दिखाई दे रहे हैं ये सब तंबोला खेल रहे हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं अपने तंबोला की गेम। ओके व्यूअर्स, तो हवन हो गया खत्म। ये था एक मतलब कैफे ओपन कर रहे हैं, उसके लिए हवन था। तो जैसा कि मैंने आपको सुबह दिखाया कि मॉर्निंग में अब मुझे कहाँ कहाँ जाना था, पहले मुझे इंस्टीट्यूट जाना था, तो यहाँ हवन के लिए भी मैं इनवाइटेड थी, तो मुझे यहाँ पे भी आना था हवन में।
तो आपको हवन का व्यू भी दिखा दिया सब कुछ। उसके बाद हमने थोड़ा सा यहाँ पे सभी रिलेटिव आ रखे थे थोड़े थोड़े और फ्रेंड्स थे अनामिका के, तो यहाँ पे हवन में हमने ज़्यादा लोग नहीं बुलाए थे, यहाँ पे उसकी एक दो फ्रेंड्स थे और मेरी मम्मी पापा थे और मासी जो भी यहाँ सराउंडिंग्स में नियर बाय थे। तो उसके बाद हमने थोड़ा सा एंटरटेनमेंट किया, एंटरटेनमेंट के लिए हमने ठंडा वगैरह पिया और फिर आइसक्रीम खाई और फिर तंबोला खेला। और इसके बाद हम एक वो बर्गर मंगवा रहे हैं तो बर्गर खाएंगे अभी हम, बर्गर पार्टी। और मौसम जो है अभी बहुत ही प्लेजेंट हो रखा है, ना ज़्यादा धूप खिली है ना ज़्यादा बारिश वाला मौसम है, बहुत ही प्यारा सा है, मैं आपको दिखा कर दूँगी। तो ये जो है ये कैफ़े का बाहर का व्यू है जो कि बहुत ही औसम है, यहाँ से जो मंडी का बहुत ही प्यारा व्यू दिखता है, जैसे वहाँ सामने आपको दिख रहा है आई लव मंडी लिखा है, वहाँ पे खड़ के बहुत से लोग जो है फ़ोटो खिंचाते हैं। और ये हमारा मंडी का घंटा घर हम इसको बोलते हैं, ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना है, ब्रिटिशर्स का। तो ये मार्केट भी मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छी सी मार्केट है। और ये है यहाँ का व्यू और अभी ये बैठे हैं सब लोग। तो व्यूअर्स अभी यहाँ पे हवन ही हुआ है, अभी रेस्टोरेंट को कैफ़े को ओपन होने में टाइम है 2 डेज का, क्योंकि जो यहाँ का कुक है उसे कुछ काम था तो वो आउट ऑफ मंडी है, तो आपके 2 डेज जो है हम ये शुरू कर देंगे। और यहाँ का इस जो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ की सबसे प्यारी बात ये है कि ये जो है जो हमारी भाभी है वो एक डाइटिशियन है, तो वो डाइट के हिसाब से यहाँ पे जो है चीज़ें जो है बहुत ही हेल्दी फूड बनेगा, यहाँ की चीज़ों में जो मैदा होता है वो इंक्लूड नहीं होगा। यही एक खास बात होगी जो भी मतलब जो भी किसी चीज़ के पेशेंट्स हैं जो मतलब बाहर जाके कुछ खा नहीं सकते हैं, तो उनके लिए तो ये रेस्टोरेंट जो एक कैफ़े है एक वरदान है, जो यहाँ पे चीज़ें बनेंगी ये उन्हीं के अकॉर्डिंग, उन्हीं को हेल्थ के अकॉर्डिंग जो है बेनिफिट में बनेगी। और ऐसा नहीं है यहाँ कुछ मतलब ऐसे कुछ बोरिंग होने वाला है, यहाँ पे मोमोज जो मोमोज खाना चाहते हैं उनके लिए मोमोज भी बनेंगे और डोसा इडली साउथ इंडियन सब बनेगा, लेकिन बनेगा आटे का मतलब हेल्दी बनेगा, शेक्स बनेंगे और बहुत सी हेल्दी चीज़ें ऐसी बनेंगी। और ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे बाहर का खाना खाने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि अब होता ही है ना पेट वेट थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, कभी कभी अगर मन करे तो खा लेते हैं, फिर ये सोचते अब खा लिया होगा। तो व्यूअर्स ये है अनामिका के रेस्टोरेंट का बाहर का व्यू और ये इसके किचन सर्टिफिकेट है फूड लाइसेंस के और भी क्लासेस जो इसने लगाई हैं। एक्चुअली ये इस फील्ड में जो है एमटेक है और ये एक डाइटिशियन है और साथ में इनका जो है यहाँ पे इन्होंने डाइट कैफे भी खोला है। और मैंने यहाँ पे जो भी चीज़ें टेस्ट की बहुत ही औसम थी। और इस रेस्टोरेंट की खास बात ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें आटे से ही बनेंगी और यहाँ पे जो है देसी घी यूज़ होगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही हेल्थ के लिए आपको बेनिफिट है जिनका, तो जितने भी शुगर या कोई भी पेशेंट है वो आसानी से यहाँ पे आके कुछ भी खा सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी फूड है, ऐसा नहीं है कि आटे की चीज़ें बनी हैं तो टेस्टी नहीं है, बहुत ही अच्छा है। तो प्लीज़ इस रेस्टोरेंट में ज़रूर विज़िट कीजिएगा जो है आपका नियर टू इंदिरा मार्केट, जहाँ पे आई लव मंडी लिखा है उसके बैक साइड में ही है, तो प्लीज़ विज़िट करिएगा। थैंक्स। ओके व्यूअर्स, तो मैं अपने ब्लॉग का एंड यही करती हूँ, आई होप आपको मेरे आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे आज का ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और अपने फ्रेंड्स में ये लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे अभी मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। तो आते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। चल दैन, बाय बाय।